फ्रेंड्स, मेरे भोजनशाला में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी भोजनशाला में बनाने जा रही हूँ व्रत के लिए स्पेशल हलवा, आलू का हलवा। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमने यहाँ पर लिए हैं 4 उबले हुए आलू। इन आलुओं को छील लिया है। 4 से 5 टेबल स्पून देसी घी, 1 कप दूध, 1/2 बाउल चीनी, 8 से 10 धागे केसर के दूध में भिगो दिया है, 5-6 काजू, 5-6 बादाम। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम इन आलूओं को मैश कर लेते हैं। हम इन्हें हाथों से ही मैश कर लेंगे। आलू के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। ये सारा आलू हमने मैश कर लिया है। अब हम काजू और बादाम के छोटे छोटे पीस कर लेते हैं, इन्हें काट लेते हैं। हम काजू बादाम को काटने के बाद में अब हम गैस ऑन करके कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई में हम 2 चम्मच घी डाल देते हैं। घी की मात्रा आप कम ज़्यादा रख सकते हो। मैंने आधा घी बचा लिया है, उसे हम हलवे में बाद में यूज़ करेंगे। अब हम ये मैश किया हुआ आलू भी डाल देते हैं और इन आलूओं को हम धीमी धीमी आग पर भूनेंगे। इन आलूओं को हमें तब तक भूनना है जब तक कि आलूओं का कलर चेंज नहीं हो जाता है। तब तक हमें इन्हें आलूओं को भूनना है। गैस को हम धीमा ही रखेंगे और आलूओं को हम इस तरीके से दबाते हुए भूनेंगे कि जो बड़े बड़े आलू हैं वो अच्छे तरीके से मैश हो जाए। इस तरीके से दबाते हुए भून लेंगे। ये देख सकते हो आलू का कलर बदल चुका है। ये आलू हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे दूध और ये चीनी भी डाल देंगे और दोनों को मिक्स कर देंगे और ये हलवे को हम जब तक पकाएंगे जब तक कि हलवा हमारा गाढ़ा नहीं हो जाता है। आप देख सकते हो हलवा हमारा गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें केसर वाला दूध डाल देते हैं। केसर डालने से हलवे का कलर बहुत अच्छा आ जाता है, इसलिए हमने केसर यूज किया है। अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। अब हम डाल देंगे बादाम। थोड़े से बादाम डाल दिए हमने और थोड़े से बचा लिए हैं। थोड़े से काजू भी डाल दिए, थोड़े से बचा लिए हैं। इनको मिक्स कर देंगे। अब हमने जो घी बचा करके रखा हुआ था वो घी भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि हलवे से घी अलग नहीं दिखने लग जाता है। ये देख सकते हो आप, हलवे से घी अलग दिखने लगा है और हलवे का कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। गैस बंद कर देते हैं और हलवे को हम बाउल में निकाल लेते हैं। सारा हलवा हमने बाउल में निकाल लिया है। अब हम ऊपर से काजू और बादाम जो हमने बचा करके रखे हुए थे वो डाल देंगे इसमें। आप इसमें इलायची भी डाल सकते हो, खोपरा भी डाल सकते हो। आप